उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मानदेय बढ़ाने और अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 रुपया मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी के उच्चीकरण का शासनादेश, सरकारी कर्मचारियों की तरह अवकाश और रिटायरमेंट के बाद लगभग 5 लाख रुपए देने की मांग कर रही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम लोगों की मांग है कि आंगनबाड़ियों को कम से कम मजदूरी का दर्जा तो दो, 600 रुपये के हिसाब से तो दो, 18,000 रुपये किया जाए। और ये मिनी का जो रोज़ बोल रहे हैं कि मिनी का उच्चीकरण हो गया है, वो अभी तक उसका शासनादेश नहीं आया है, उसका शासनादेश दें और सीनियरिटी के हिसाब से मानदेय बढ़ाया जाए। और जैसे गर्मी और जाड़ों की छुट्टियों के लिए हमें बार बार जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास भी जाना पड़ता है, तो स्कूल की भांति हमें छुट्टियां मिले। और जो ये ड्रेस दी जाती है वो इतनी गंदी ड्रेस दी है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, उसे पहनने में भी शर्म आती है, लेकिन क्या करें। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ड्रेस का पैसा हमारे खाते में आए। जब हम लेजर का काम करते हैं, कैशबुक का काम करते हैं, तो हम ड्रेस भी तो खुद खरीद सकते हैं, लेकिन ड्रेस हमारी आंगनबाड़ियाँ खुद खरीदेंगे और खाते में आए वो पैसा। और जब रिटायरमेंट होती है हमारी लड़कियाँ, खाली हाथ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सब बहनों का ये कहना है कि हमें 5 लाख रुपये जब हम रिटायर हों, 5 लाख रुपए मिले।